करोड़ों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। या आदमी को बहुत ज्यादा झूठ बोलना चाहिए, जो अभी सत्ता में बैठे लोग झूठ बोल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस के नेता और खासतौर से राहुल गांधी कभी किसी कोई झूठा वादा नहीं करते, किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलते, और एक मेहनत कश और बहुत ही देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लेकर झगड़े हुए, बेरोजगारी बहुत है, तो इन सब चीज़ों को जो बीजेपी के लोग जो डाइवर्ट करके लड़ाई झगड़ा करवा रहे, देश में भय का माहौल बना रखा है, अशांति फैला रखी है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इन सब चीज़ों से ध्यान भटका के गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस तरह से इंदिरा जी ने भी इंदिरा ज्योति यात्रा से निकाली थी, मेरे पिताजी को उस यात्रा में शामिल हुए थे। गांधी परिवार में इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव जी की शहादत हुई, तो लोग जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें कहानियों में बताते रहते हैं। आम इंसान जो बातें कर रहा है, उसको दिख रहा है, राहुल जी में जो देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा लोगों की सोच में बदलाव होता जा रहा है।